गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग क्लासिक्स। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जो है वर्किंग विथ एनिमेट सीसी। आप लोग इससे पहले भी यही चैप्टर मतलब इस रिलेटेड चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग एनिमेट सीसी के बारे में पढ़े थे। एनिमेट मतलब एनिमेशन। एनिमेशन आप लोग सभी को हमने बताया था कि एनिमेशन वो चीज़ है जिससे कि आज के कार्टून जिसके आज के गेम्स के जितने भी ग्राफिक्स हैं वो सब बनते हैं। तो ग्राफिक्स और गेम्स जो बनते हैं ये इतने आसान नहीं होते। आप लोगों को अभी ये सब बेसिक चीज़ें बताई जा रही है। एनिमेशन का सिर्फ बेसिक चीज़ बताया जा रहा है, क्या क्या सिंबल्स यूज होता है बस ये सब बताया जा रहा है और बाद बाकी बातें नहीं बताई जा रही है। नहीं तो एनिमेशन बहुत हार्ड है। आप ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर जो है आप मतलब एकदम एडवांस लेवल का चैप्टर, नहीं ये आपके लेवल का चैप्टर। इसमें बस आपको बेसिक सिंबल्स बताया जा रहा है कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे आप बेसिक जो है एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग उसी पॉइंट्स को लेकर कुछ है कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वर्किंग विथ एनिमेट सीसी। वर्किंग विथ मतलब कैसे काम करते हैं हम लोग, एनिमेट सीसी का काम कैसे करते हैं। देखिए सिंबल्स एंड एनिमेशन, सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक है सिंबल एंड एनिमेशन। सिंबल मतलब आपको पता है कि हर टूल का अपना एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। ठीक है, हर टूल का अपना एक, जैसे कि आप इरेज टूल पढ़ते हो तो इरेज टूल का इरेज टूल लिखा रहता है ना, क्योंकि रबर टूल होता है। उसी तरह से कलर टूल होता है, कलर फिल टूल होता है, सेव टूल होता है। हर तरह का हर टूल का अपना एक स्पेशल इमेज बना रहता है जो आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे यहाँ पे टूल बॉक्स में दिख जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये हमको ये सेलेक्ट करना होता है और हम यहाँ जाकर यहाँ पे इसका ड्राइंग जो भी चीज़ें हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो एक स्क्रीन होता है ये आपका वर्किंग एरिया होता है। क्या होता है? वर्किंग एरिया। यही वर्किंग एरिया में आप यहाँ पे ड्राइंग बनाते हो या फिर एनिमेशन जो भी आपको पिक्चर बनाना हो वो पिक्चर को आप ऐड करते हो और इस यहाँ पे हम लोग इससे इफेक्ट्स को हम यहाँ पे डालते हैं। ये टूल्स होते हैं, ये वाला जो इधर वाला टूल दिखा ये सब टूल्स होते हैं। यही टूल्स जो है हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इस पिक्चर पे इस इमेज पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेज लाते हैं और इसी इमेज पे इसको अप्लाई करते हैं तो लगता है मानो ये एनिमेशन हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि दो अलग अलग इमेज को लाओ, दो अलग अलग इमेज को एक जगह कर सकते हो और दो अलग अलग इमेज को एक जगह करके आप दोनों में एक को दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से फिर से रिपीटेशन ऑफ इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम आज इसके सिंबल्स को आपको बता रहे हैं, सिंबल एंड एनिमेशन। सबसे पहले सिंबल इन एनिमेट सीसी इज अ रीयूजेबल ग्राफिक। ये रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल मतलब बार बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ से सिंबल से उठा के लिए यहाँ पे यूज कर लिए तो दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं। रीयूजेबल, रीयूजेबल मतलब बार बार आप इसको ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हो, उन ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हो और उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो आप इसमें किस किस चीज में इसका यूटिलाइजेशन करोगे, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस जगह पे हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो भाई आप इसको इमेज में डाल सकते हो, एनिमेशन के कुछ कुछ इन एनिमेट फोटोज होते हैं उसमें आप इसको डाल सकते हो, ग्राफिक्स में डाल सकते हो, वीडियो क्लिप्स में डाल सकते हो। सिंबल्स आर स्टोर्ड, ये सिंबल्स कहाँ स्टोर होते हैं, तो स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी ऑफ द करेंट डॉक्यूमेंट। ये सारे सिंबल्स को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कहाँ रख सकते हो, तो लाइब्रेरी ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी ऑफ करेंट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस इज अ कॉपी ऑफ अ सिंबल। आप कहीं स्टोर करके रखे, आप कहीं उसका कॉपी बना के रखे, तो ये कॉपी क्या है, ये कॉपी जो है इंस्टेंस इज व्हाट, कॉपी ऑफ अ सिंबल। ये इंस्टेंस ही है जो कि कॉपी है किसी का, सिंबल का कॉपी। ठीक है, सिंबल का कॉपी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं। सिंबल कैनॉट बी मॉडिफाइड बाई चेंजिंग द कलर, आपको पता है सिंबल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, कलर चेंज करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते, सिर्फ कलर चेंज कर देंगे तो सिंबल बदल जाएगा, ऐसा नहीं। सिंबल्स कैनॉट बी मॉडिफाइड बाई चेंजिंग द कलर, कलर चेंज करके, साइज चेंज करके या आउटलाइन चेंज करके हम किसी सिंबल को बदल नहीं सकते। सिंबल वही काम करेगा जो कि वो कर रहा है पहले से, जो कर रहा है। ठीक है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। आप यही सारे सिंबल्स को इस्तेमाल करते हो वर्किंग एरिया, जिसको कि हम लोग यहाँ पे वर्किंग एरिया कहो या फिर इसे स्टेज कहो, तो स्टेज पे लाके यही सब सिंबल्स को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं और इन्हीं सिंबल्स से हम नए नए इफेक्ट्स को प्रोड्यूस
करते हैं, ठीक है। अब आता है कि कितने टाइप के सिंबल होते हैं, तो तीन टाइप के सिंबल होते हैं। कितने? तीन। तीन टाइप के सिंबल होते हैं, एक होता है मूवी क्लिप, एक होता है बटन और एक होता है ग्राफिक, ठीक है। मूवी क्लिप द सिंबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया फीचर, जिसमें मल्टीमीडिया फीचर हो, मूवी मूवी पिक्चर बनाने वाला, जैसे कि अलग अलग इमेजेस को एडिट करके अलग अलग जो है आपका वीडियो के क्लिप्स को जोड़ जोड़ के एक आप मूवी बना सकते हो, ठीक है। मूवी आप लोग सभी देखते हो, मूवी तो आप लोग देखते हो, तो क्या एक ही बार में सारा मूवी शूट हो जाता है क्या? बीच में रुकता नहीं है वो लोग, एक बार स्टार्ट करता है तो तीन घंटा तक काम करता है, पूरा मूवी बन जाता है, नहीं ना। अलग अलग सीन्स उसमें जोड़े जाते हैं, अलग अलग जगह शूटिंग किए जाते हैं, उन सभी को लाकर एक जगह जोड़ा जाता है, ठीक है, तब जाकर वो एक मीनिंगफुल, वो है मूवी के लिए सिंबल कंसिस्ट ऑफ मल्टीमीडिया फीचर्स। में मल्टीमीडिया फीचर्स होते हैं, मल्टीमीडिया मतलब बीच में आप स्टॉप करके कहीं और से जोड़ सकते हो, कहीं और से कोई साउंड इफेक्ट डाल सकते हो, इस मूवी में बहुत सारे देखिए कंप्यूटर इफेक्ट्स डाल सकते हो, ये सब मल्टीमीडिया इफेक्ट्स यहाँ पे होते हैं। जैसे कि आपका साउंड वीडियोज हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि कितना मूवी है जिसमें कि ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर हॉलीवुड मूवीज में जिसमें मारपीट बहुत ज़्यादा होता है, एक्शन मूवीज, ठीक है। एक कार आती है दूसरे कार से टकराती है, हवा में उड़ जाती है, ये क्या रियलिटी में इस तरह का कोई स्टंट करता है क्या? नहीं, ये सब कंप्यूटर इफेक्ट्स है, मल्टीमीडिया इफेक्ट्स, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, बटन सिंबल। ये क्या है भाई, बटन सिंबल क्या है? तो द सिंबल रिस्पॉन्ड्स टू मूव माउस क्लिक, ये जो है बटन सिंबल मतलब माउस क्लिक को रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड टू द माउस क्लिक एंड एड इंट्रा एक्टिविटी टू द एनिमेशन, इंट्रा एक्टिविटी टू द एनिमेशन, एड इंट्रा एक्टिविटी टू द एनिमेशन, एड इंट्रा एक्टिविटी टू द एनिमेशन, ठीक है। दीज आर द मोस्ट बेसिक सिंबल्स ऑफ द, ठीक है। अब देखो ये इंट्रा एक्टिव एनिमेशन में बहुत बीच बीच में जो इंट्रा एक्टिविटी होता है ये सब डालने के लिए हम लोग बटन का सिंबल का यूज करते हैं, और लास्ट है ग्राफिक सिंबल। तो ये ग्राफिक सिंबल क्या होता है, तो दीज आर द मोस्ट बेसिक सिंबल्स that are mainly used to create background, ये सिर्फ आपके background को create करने के लिए use होता है, ठीक है, सिर्फ background को create करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है graphic। अब आप आजकल जो है बच्चे लोग बहुत ज्यादा ये पबजी गेम खेल रहे हैं, तो पबजी गेम खेल रहे हैं तो ये पबजी गेम में जो पीछे का ग्राफिक्स पूरा दिखता है वो ग्राफिक्स क्या है, वही है ये ग्राफिक, वही ग्राफिक्स है जो कि बैकग्राउंड बनाता है, जहाँ पे आप खेल रहे हो तो आपके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड बना हुआ है ये पूरा बैकग्राउंड जो है ग्राफिक सिंबल, ये ग्राफिक टूल से बना हुआ है, समझे, ठीक है। इसके बाद वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसके दो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उसको कर लीजिएगा, बुक में से जो पेज है वो हम भेजते रहे,